अस्सलाम वालेकुम हबीबी, मुझे अभी अभी पता चला है कि 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट और 300 रुपए पर डे की किस्त के हिसाब से आप लोगों को घर मिल रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूँ, नेशन जानना चाहता है कि किस तरीके से ये पॉसिबल है मुंबई के अंदर 300 रुपए पर डे के हिसाब से 6 लाख रुपए डाउन पेमेंट में स्टेशन के नजदीक घर कैसे मिल सकता है। चलिए संवाददाता के पास। हेलो जी, बिल्कुल मैं सेलेस 612 के बाहर खड़ा हूँ और यहाँ पे लोगों का भीड़ उमड़ा है। अरे बाप रे, मतलब 2 बेडरूम खत्म हो गया। हाँ, यहाँ पे खत्म हो गया। ओहो, 300 रुपया रोज का देने का है, मतलब टीएमसी बिल्डिंग है और नियर बाय अपना स्टेशन है, और क्या चाहिए इंसान को। तो इस हिसाब से पब्लिक को आसान पड़ता है, मिडिल क्लास लोगों को आसान पड़ता है। तो मैं खुद भी जा रहा हूँ, आप भी आइए, और ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पे कॉल करें। और कॉल भी तो पता है क्या करना है। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। ठाणे पुलिस ने रेव पार्टी पर छापेमारी कर करीब 100 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बड़ी मात्रा में यहाँ से नशीला पदार्थ भी बरामद किया है। आपको बता दें कि नया साल आने वाला है, ऐसे में नया साल के शुरू होने से पहले ही इंस्टाग्राम पर आईडी बनाकर रेव पार्टी करने के लिए लोगों को बुलाया गया था और ठाणे के वडवली खाड़ी के किनारे ये रेव पार्टी की जा रही थी। और पुलिस को जब इसकी जानकारी मिली तो पुलिस ने फौरन ही वहाँ पर 5 से 6 टीम बनाकर यहाँ पर छापेमारी की और करीब 100 से भी ज़्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। लेकिन अंधेरा होने का फ़ायदा उठाकर बताया जा रहा है कि कुछ लोग भागने में भी कामयाब हो गए। इस रेव पार्टी में ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई, डोंबिवली और अन्य जगहों से आकर लोग शामिल हुए थे। ठाणे क्राइम ब्रांच के उपायुक्त शिवराज पाटिल ने बताया कि 2 ऑर्गेनाइज़र को भी गिरफ्तार किया गया है जो खाड़ी के किनारे इस रेव पार्टी का आयोजन किए थे। और रेव पार्टी में अलग अलग टेबल पर अलग अलग ड्रग्स बेचने के लिए लगाए गए थे, जिसमें चरस, गांजा, LCD ऐसे अलग अलग नशीले पदार्थ बेचे जा रहे थे। नए साल शुरू होने वाला है और ऐसे में ही ठाणे शहर में क्राइम ब्रांच ने एक बार रेव पार्टी पर फिर छापेमारी की और करीब 100 से भी ज़्यादा लोगों को इस रेव पार्टी से हिरासत में लिया है। ठाणा पुलिस आयुक्तालय में ये जो 31 का सेलिब्रेशन होता है या हर जगह पे होता है, पार्टीज ऑर्गेनाइज होती है, ऐसे पार्टीज में ड्रग्स हो या बाकी NDPS की जो चीज़ें रहती है वो उसकी उसका सेल होता है। तो इसके हिसाब से माननीय पुलिस आयुक्त आशुतोष डुमरे सर ने गाइड किया था कि ऐसे कोई भी पार्टीज रहे, कोई बिक्री रहे तो उसके ऊपर कार्रवाई करना है। इसके हिसाब से हमारे एडिशनल CP क्राइम पंजाबराव उगले सर, उन्होंने आदेशित किया था कि हर जगह पे वॉच रख के हम उसके ऊपर कार्रवाई करें। उसके हिसाब से ये जो हमारी जो आज की कार्रवाई, उसमें ACP डिटेक्शन 1 सोनोने साहब, सीनियर PI यूनिट 5 विकास घोड़के, उनके API भूषण शिंदे, पल्लवी, ये सब लोगों ने, इनको इन्फॉर्मेशन थी कि एक जगह पे ऐसी पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है, तो उसके हिसाब से हमने पूरी टीम ऑर्गेनाइज की। 6-7 टीम हमने तैयार की थी और ये जो पार्टी जो अरेंज हुई थी वो वडवली क्रिक जो है उसके लग के ये पार्टी ऑर्गेनाइज हुई थी, जो कि रेसिडेंशियल एरिया से बहुत दूर थी, मैंग्रोव का एरिया था। ये पार्टी वहाँ पे सिलेक्शन की, हमने जैसे ही इंफॉर्मेशन हमें मिली, हमने वहाँ पे जो ट्रैप लगाया उसके हिसाब से हमने वहाँ पे रेड की। रेड में हमें ऐसा मिला कि लगभग 90 यंगस्टर्स बॉयज वहाँ पे हमने हमें मिले और 5 जो गर्ल्स थी वो भी वहाँ पे मिली। और ऑर्गेनाइजर्स 2 थे, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। ये जो ऑर्गेनाइजर्स है उन्होंने ऑर्गेनाइज करके वहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट वहाँ पे सीज किए उसमें LSD स्ट्रिप्स थी, टैबलेट्स भी थी और MD था, गांजा था, कोकेन था और वहाँ पे शराब भी वहाँ पे बड़े मात्रा में उसको प्रोवाइड की गई थी। ई सिगार्स भी वहाँ पे मिली है। तो ये रेव पार्टी जो अरेंज की थी उसमें ये सब पाया गया। तो अभी सब लोगों को हमने डिटेन करके मेडिकल उनका किया जा रहा है। 2 लोग जो आरोपी हमने अरेस्ट किए हैं उसकी भी अभी तहकीकात चल रही है कि ऑर्गेनाइज करने में और कितने लोग उसमें शामिल थे। ये जो ऑर्गेनाइज हुआ था उसमें ऐसा पता चला कि ऑर्गेनाइजर एक जो है उसने पहले भी कहाँ पे तो एक पार्टी गोवा में ऑर्गेनाइज की गई थी,
तो इसके हिसाब से हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और जो बच्चे हमने यहाँ पे मिले हैं उनको अभी हम काउंसलिंग उनकी कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को बुला के उनकी उनके सामने काउंसलिंग होगी। तो आगे भी इसमें जो इन्वेस्टिगेशन है, ये ड्रग्स कहाँ से लाया गया, ये यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजर्स थे और कौन शामिल था, इसका इन्वेस्टिगेशन जारी रहेगा। एक बहुत ही अच्छी कार्रवाई थाना क्राइम ब्रांच ने 31st के मौके पे की है। इसके पहले भी हमने एमडी के खिलाफ बहुत सारी कार्रवाई है, 3-4 दिनों में जो ऑल आउट ऑपरेशन चल रहे हैं थाना कमिश्नरेट में, उसमें बहुत सारे एमडी हमने बरामद किए थाना क्राइम ब्रांच में, और आगे भी ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी। सवाल यह है कि जो आपने डिटेन किया है, आपने ट्रैक किया, ये जो लड़के आपने डिटेन किया जिनको काउंसलिंग के लिए भेज रहे हैं, ये क्या कॉलेज स्टूडेंट हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं? और जो दो आरोपी की आप बात बता रहे हैं कि गोवा में पार्टी ऑर्गेनाइज किया था, क्या ये हैबिचुअल लोग हैं? इनका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या ये मोस्टली अलग अलग स्टेट में सिटी में इस तरह की पार्टीज ऑर्गेनाइज करते हैं? ये जो अभी जो हमने ऑर्गेनाइजर जो पकड़े गए हैं उसमें जो तेजस कुबल करके एक ऑर्गेनाइजर है जो 23 साल का है, वो लोडा पालावा में रहता है डोंबिवली में, और दूसरा सुजल महाजन करके है वो कड़वा में रहता है। तो ये अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उनका इंट्रोगेशन चल रहा है अभी। इन्होंने और कहाँ पे पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी और इसमें ऑर्गेनाइजेशन में